हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं पुनीत और आप देख रहे हैं आयोन टेक। दोस्तों, पिछले हफ्ते की बात है कि एक मेरे फ्रेंड ने बैंक में चेक जमा किया था जिसका अमाउंट 2 या 3 दिन के अंदर उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाना चाहिए था, लेकिन एक हफ्ता के बाद भी जब चेक का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया तो वह बैंक जाकर पता किए कि किस वजह से उनके चेक का पैसा उनके अकाउंट में नहीं आया। काफ़ी समय बाद बैंक वालों ने बताया कि वह चेक जमा करते समय उसके ऊपर डेट डालना भूल गए थे, जिससे बैंक वालों ने उनके चेक का पैसा उनके अकाउंट में नहीं डाला था। तो फ्रेंड्स, चेक भरते समय हम भी ऐसी कई सारी गलतियां कर देते हैं जिससे कि चेक का पैसा हमारे अकाउंट में सही समय पे क्रेडिट नहीं होता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे और आपसे यह भी बताएंगे कि आपको चेक भरते समय कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए जैसे कि आपका जो भी चेक का पैसा आपके अकाउंट में सही समय पर क्रेडिट होगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे ये मेरे पास HDFC बैंक का चेक है जो मुझे किसी ने दिया है, तो इस तरह के चेक में पहले से ही नाम, अमाउंट और देने वाले का सिग्नेचर, यहाँ पर आपको 2 लाइनें भी दिखने को मिल जाती हैं जिससे पता चलता है कि यह चेक अकाउंट पे ही है, यानी कि इस चेक का पैसा आपके अकाउंट में ही क्रेडिट होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही चेक लगभग सभी बैंकों का होता है। कई बार यहाँ पर डेट लिखा होता है, यहाँ जो डेट चेक पर डला होता है उससे 3 महीने तक ये वाला जो चेक है ये वैलिड होता है। अगर यहाँ पर डेट नहीं डला है तो सबसे पहले आपको चेक के ऊपर डेट डालना होता है। इसके लिए आपको ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का यूज करना है, कभी भी आप जेल पेन का यूज नहीं करेंगे। चेक पर कुछ भी भरते समय आपको ओवरराइटिंग से बचना है, यहाँ पर ओवरराइटिंग बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ लिखते समय डेट, मंथ, ईयर तीनों को बहुत ध्यान से लिखना है। तो ये फ्रंट साइड आपका कंप्लीट हो गया है। ये वाला जो है ये चेक नंबर है, ये वाला MICR कोड होता है, ये अकाउंट ID विथ RBI और ये ट्रांजेक्शन कोड होता है। तो ये फ्रंट साइड का आपका चेक कंप्लीट हो गया है। अब बैक साइड आ जाएंगे, यहाँ पर अपना नाम, अकाउंट नंबर और मोबाइल नंबर तीनों चीज़ों को बहुत क्लियरली लिखना है, साथ में आप सिग्नेचर भी करेंगे। इससे अगर आपके चेक में कोई भी प्रॉब्लम होता है तो बैंक एम्प्लॉय फ़ोन करके इसके बारे में आपको बता सकते हैं। तो ये जानकारी आपको चेक के पीछे अच्छे से लिखना चाहिए। चेक पर डिटेल्स भरने के बाद बैंक की तरफ से ऐसा एक डिपॉजिट फॉर्म मिलता है जिसके ऊपर चेक की पूरी जानकारी भरनी चाहिए। ये वाला जो फॉर्म होता है 2 हिस्सों में होता है, एक चेक के साथ जमा हो जाता है, दूसरा बैंक आपको स्टैंप लगाने के बाद हैंड ओवर कर देता है। ये जो स्लिप होता है आपको संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि अगर चेक कहीं भी खो जाता है या कोई गड़बड़ी होती है तो यही एक मात्र ऐसा प्रूफ होता है जिस पर आपके चेक की डिटेल्स रहती हैं। तो फ्रेंड्स, ये सारी बातें हैं जो आपको चेक जमा करते समय आपको ध्यान में रखनी चाहिए जिससे कि आपका चेक का अमाउंट सही समय पर आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ में हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।